हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है। मतलब डैंड्रफ ख़त्म ही नहीं होता है, कितना भी दही लगा लो, नींबू लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब बार बार डैंड्रफ आ ही जाता है। तो आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बताने वाली हूँ जिससे जो आपका डैंड्रफ है बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगा, दोबारा होने का नाम नहीं लेगा। तो अगर आपको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इची स्कैल्प रहता है और भी कुछ स्कैल्प से रिलेटेड इन्फेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि होम रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, मैं खुद बहुत सारी होम रेमेडीज़ करती हूँ, पर होम रेमेडीज़ को या तो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक करोगे तब वो जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म करेगी, नहीं तो एक बार में तो वो रिज़ल्ट दे देती है पर वही प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम है तो जो हेयर से रिलेटेड, स्कैल्प से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन होते ही रहते हैं इस मौसम में। इस मौसम में क्या, अगर बात करें ठंड में भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है, इची स्कैल्प होता है, गर्मियों में भी, गर्मियों में पसीने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो डैंड्रफ की, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है। तो मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ ये सेलसन शैम्पू, जो कि मेडिकेटेड शैम्पू है, और एक ये एक ऐसा शैम्पू आप कह सकते हैं, शैम्पू भी कह सकते हो, लोशन भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा शैम्पू या लोशन है जो डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, मतलब आपको एक बार में ही काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आज इसके ही बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये जो शैम्पू है ये सेलेनियम सल्फाइड से मिलके बना हुआ है, जो कि डैंड्रफ को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। इसकी अगर पैकेजिंग की बात करें तो ये स्मॉल पैक है, इसका एक बड़ा पैक भी आता है, ये 60 ml का पैक है, इसका जो बड़ा पैक है वो 120 ml का आता है। ईज़िली अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, नहीं तो आपको अमेज़ोन पे ये आसानी से मिल जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो छोटा पैक है 60 ml का, इसका प्राइस है 175 rupees, ऑनलाइन आपको 150 rupees का मिल जाएगा, और जो इसका बड़ा पैक है वो 296 rupees का उसका MRP है, जो कि आपको आफ्टर डिस्काउंट के बाद 275 समथिंग का मिल जाएगा। ये जो शैम्पू है ना, ये केवल डैंड्रफ और इची स्कैल्प की प्रॉब्लम को दूर करता है, बल्कि एक और इन्फेक्शन होता है टीनिया वर्सिकलर जिसको कहते हैं, जिसमें रेड और वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको भी ट्रीट करता है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। जिसको भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लें, इसके बाद अपने स्कैल्प पे इसको अच्छे से लगा लें। कोई भी मसाज नहीं करनी है, सिर्फ अच्छे से अप्लाई करना है। इसके बाद उसको आप 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए, फिर नॉर्मल वाटर से आप इसको साफ़ कर लीजिए। तो इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको वीक में दो बार ज़रूर लगाएं, और 2-3 वीक तक इसको लगाते रहिए, जिससे आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये ऑरेंज कलर का है, मैं बता देती हूँ, देखिए ऐसा लोशन टाइप में है और बहुत ज़्यादा झाग नहीं देता है, पर बहुत ही हल्का हल्का सा झाग देगा। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बाल बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये डैंड्रफ के लिए ही यूज़ किया जाता है। और अगर इसकी स्मेल की बात करें, इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें, तो थोड़ी सी हार्श है, पर इतनी हार्श नहीं है कि आप इसको 15-20 मिनट तक लगा के नहीं रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हार्श हो सकती है, पर मेरे लिए तो ठीक ठीक थी, मतलब 15-20 मिनट तक आप लगा के रख सकते हैं। इसको आई कांटेक्ट से दूर रखना है, केवल एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। अगर आपको कोई भी सेंसेशन होते हैं इसको लगाने के बाद तो तुरंत वॉश कर लीजिए। अगर आपने कलर किया हुआ है तुरंत से, या फिर ब्लीच किया हुआ है, तो तुरंत इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कीजिए, कुछ दिन बाद इसको यूज़ कीजिए। तो ये बिल्कुल पैसा वसूल प्रोडक्ट है, मतलब जैसा काम करता है उसके हिसाब से काफ़ी सस्ता भी है और अच्छा तो है ही।
तो अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो ज़रूर इसको परचेस कीजिए, एक बार में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।